<سؤال> بيضير، <سؤال> بيضير. حدثنا ما أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة. قال, قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا قال فتنا رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليكم. الله الحمد لله رب العالمين. अभी ये जो सनद है इस हाँ को छोड़ के जितने रावी हैं सब कूफी हैं इस हाँ बिन इब्राहिम ये कोफी नहीं है ये मरवदी हैं और इसमें दूसरा लतीफा है कि इसमें दो ताबी है इब्राहिम और अलकमा अलबत् मंसूर के बारे में लोगों के अकबाल मुख्तलिफ हैं बाद लोग इनको ताबी मानते हैं और बाद लोग ताबी नहीं मानते हैं तो अगर इनको भी ताबी माने तो तीन ताबी हो जाएंगे वरना दो ताबी। और दीीक़ इलमिया भी है इसमें वसीम साहब इसमें क्या तकी है ज़रा बताइएगा जी वही हदसना और अकबर उसी का है हदसना और हद्दसना और किसका फर्क है अन, अन।, अन का उस्मान शेख ने हदसना कहा है और बाकी शयूख ने अन कहा है अन जरीन ने कहा नमाज पढ़ाई रावी ने कहा जो अलकमा से रिवायत कर रहे हैं इब्राहिम नखई इब्राहिम ने कहा ज्यादा और नकसा आपने नमाज पढ़ाई थी तो उसमें कुछ ज्यादा कर दिया था या कमी कर दी थी तो यहाँ शुभे के साथ है लेकिन बाद रिवायतों में सराहत है कि उसमें ज्यादती हुई थी और चार के बजाय पांच रकातें आपने पढ़ा दी थी जब आपने सलाम फेर दिया तो कहा आपसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज में कोई नई चीज पैदा हुई है यानी नमाज में कुछ नस्क तो नहीं हुआ है कुछ इजाफा तो नहीं हुआ है ये अदासा है आ हमजा इस्तीफ़ामिया है और हदसा यह हदसो हदूसन है क्या पैदा हो गई है नमाज में कोई नई चीज यानी नया हुक्म आया है आपने फरमा का वो क्या है कोई नई चीज तो नहीं हुई है तो साहबा ने कहा आपने ऐसे ऐसे नमाज पढ़ी है यानी जो नमाज पढ़ी थी आपने वो तो दूसरी रिवायत में सराहत है कि पांच रकात पढ़ी थी तो साहबा ने कहा कि आपने पांच रकातें पढ़ ली पाला रिजलि जैसे रामा मोडना तो आपने अपने दोनों पैरों को मोड़ा दोनों पैरों को मोड़ा यानी किबला की तरफ मुतवजे वस्तक फसद ने सुमा सलाम फेर दिया फिर मुतवजे हुए हम पर अपने चेहरे के साथ सलाम फेर करके हमारी तरफ रुक करके बैठे अब यहां जाति जाति हो गई है नमाज के अंदर तो <स्थाँगा> सलाम के बाद आपने सजदा किया अब जाहिर है कि सलाम फेर ही चुके थे तो आपने फरमाया कि बेशक अगर नमाज में कोई नई चीज पैदा हुई होती यानी नया हुक्म आया होता तो मैं तुम्हें उसकी खबर दे दिया होता लेकिन मैं एक इंसान हूं भूलता हूँ जैसे तुम लोग भूलते हो यानी जैसे आम इंसान भूलता है वैसे मैं भी भूलता लिहाजा जब मैं भूल तो तुम मुझे याद दिला दो अब याद कैसे दिला दो उसकी सराह दूसरी रिवायतों में है कि मर्द लोग सुबहान अल्लाह कहें इमाम को तजकीर के लिए सुबह अल्लाह कहें औरतें और जो है क्या बोले वो कह रहे तस्बी हो तस्बी हो ले और जब शक करे तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में तो चाहिए कि वो तलाश करे स्वाब को दुरुस्ती को तहर्रा या तहर्रा तहर्रियन कुरान में है ना तहर्रा और रशादा तलाश करे सवाब को यानी वो अपने ध्यान पर जोर दे और हक तक पहुंचने की कोशिश करे फल्मा है तो चाहिए कि उसके मुताबिक उस पर पूरी करे यानी उसके मुताबिक नमाज पूरी करे और बुखारी की एक रिवायत में मजीद सराहत है फलिम्मा सुम्मा यसल्लिम सुम्मा यसजुद फलु तिमा सुम्मा युसलिम सुमा यशुद <coughs> मतलब यह है कि शक हुआ है अब अगर किसी पहलू को तरजीह हासिल हो गई मसलन दो और तीन में या तीन और चार में शुभा हुआ तो अब उसके जहन ने यह काम किया कि दो ही रकात हुई है तो दो रकात मान करके باقي پوری کرے یعنی يعني اقل يقين پر وہ بنا کرے چلو حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن بشر التحرير وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعد عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه ابن بشر فلينظر احرى ذلك للصواب وفي روايه وكيع فليتحرى الصواب आ, ये सब वही है आगे आप चलिए बारह सो तिरासी नंबर छोटी छोटी कई सनदे हैं बारह सो तिरासी उस्मान बिन अबू शाहेबा जी तो हदतना قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله ان ابراهيم بن سويد قال صلى بنا القمه الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا ابا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحيه القوم وانا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وانت ايضا يا اعبر تقول ذلك قال قلت نعم قال فانقتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما فلما انفطل القوم بينهم فقال ما شانكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاه قال لا قالوا فان الصليب فقد صليت خمسا فتلا ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون وزاد بن نمير في حديثه فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ये सनद भी कूफी है और इसमें दो ताबे है इब्राहिम बिन सोवेद और अलकमा तो इब्राहिम एक तो इब्राहिम बिन यजीद नखई हैं वो भी ताबे हैं और ये जो है इब्राहिम बिन सुवेद हैं इब्राहिम बिन सुवेद ये भी नखई है आवर है ये वो इब्राहिम बिन यजीद नखई और ये इब्राहिम बिन सुवेद नखई कहते हैं कि हमें अलकमा ने की पांच रकातें पढ़ाई जब उन्होंने सलाम फेर दिया तो लोगों ने कहा अबू शिबले अलकमा की कुन्ियत है आपने नमाज पढ़ी पांच रखाते हैं उन्होंने कहा कल्ला हरगिज़ नहीं माफाल तो मैंने ऐसा नहीं किया यानी मैंने पूरी नमाज पढ़ाई है तो लोगों ने कहा बाला क्यों नहीं यानी आपसे भूल हुई है काला ये कहते हैं इब्राहिम कहते हैं वो कुंत तो फिर कौम में लोगों के किनारे था यानी मजलिस में जो तो तो उसमें नमाज में जो लोग थे उनके किनारे में था वो ना गुलाम और मैं नौजवान लड़का था तो मैंने कहा बला क्यों नहीं कतसल्लामसन यकीन आपने पांच रकात पढ़ाई है तो उन्होंने कहा मुझसे वानता ऐसन या आवरो दालिक, ए आवर ओ तकुल आवर काना क्या तू भी ये बात कह रहा है इससे मालूम हुआ कि कभी कोई उस्ताद अपने शागिर्द को इस किस्म का जुमला कह देता है तो तलब इम को उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए और जाहिर है कि इस किस्म की बातें उमूमन शफकत और प्यार की बिना पर कर लोग कहते हैं काला कुल तो नाम हाँ मैं भी कह रहा हूँ रावी कहते हैं फन फते वो हुई हुई है नहीं की है की तरफ दो सजदे किए फिर सलाम फेर दिया फिर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बयान किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नमाज का वाकया पांच रकात पढ़ाई थी वो रिवायत गुजरी है इसमें एक आध लफ्ज ज्यादा है ये दोनों शीने मोजमा के साथ हैं कादी अयाद रह कहते हैं कि ये शीने मौजमा के साथ भी मरवी है और शी और शीने मोहमला के साथ भी और दो, दोनों सही है चाहे बड़ी शीन से पढ़ो चाहे छोटी शीन से उसका माना होता है हरकत करना मतहरक होना कहते हैं कि इसी से वसवासुल होली है जेवरों की झनकार जेवर जब दूसरे जेवर से टकराता है हरकत पैदा होती है तो आवाज पैदा होती है उसी को कहते हैं वसवासुल होली या वशवासुल भी कहते हैं तो जब वो जब आप मुतवजे हुए तो लोग आपस में काना फूसी करने लगे काप, काना फूसी यानी आपस में बातचीत करने लगे कि मामला क्या है अभी आपसे किसी को जुरात नहीं हुई कहने की तो आपने फरमा शाह नकुम तुम्हारा क्या हाल है यानी काना फूसी क्या हो रही है फिर सलाते क्या नमाज में कुछ इजाफा कर दिया गया है आपने फरमा नहीं लोगों ने कहा इन नही तखम सन फनफतला फिर आखिर में है कि इन नमा आना बशर मिसल को मानसा का मातन सोना और इबन नुमायर के रिवायत में इजाफा है फैजा नसिया अहदकुम फलीजु सदत इसके बाद वाली भी सनत छोड़ के मिंजा बिन हारिस वाली पढ़िए وحدثنا من جاب ابن الحارث التيمي التميمي قال اخبرنا أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم أن عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين اس بھی جو ہے تین تابعی

फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हुए यानी किबला की तरफ मुंतकिल हुए फिर दो सजदे किए तो ये रवायत ऊपर वाली रिवायतों से ज़रा मुख्तलफ़ है ऊपर वाली रिवायतों में है कि ऊपर वाली रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने याद दिलाया कि आपने पांच रकात पढ़ाई है तो आपने पहले सजदा किया सजदा करके फारिग हुए तब आपने लोगों को खिताब किया ये देखिए 1283 बारह तिरासी में भी ऐसे है और उसके पहले भी एक रवायत गुजरी है बारह चौहत्तर उसमें भी यही है और इसमें है जो अभी पढ़ रहे हैं आप कि सजदा कर लिया वह बात जाल सुन बैठे हुए थे सुम्मा तहबूअल रसुल्ला तो इस तरह से दोनों रिवायतों में तजाद है उसका जवाब यह है कि सुम्मा यहां पर जो है तरतीब के लिए नहीं है तरतीब के लिए तो आता है लेकिन हमेशा तरतीब के लिए नहीं आता है कभी मुतलक जिक्र के लिए आता है यानी ये काम भी हुआ ये काम भी हुआ वो काम भी हुआ यहां पर जो है ये तरतीब के लिए नहीं है मुतलक जिक्र के लिए है इसलिए कि उसमें सराहत है कालू सल तकदा वक़दा फसन रज तो इसमें सराहत है कि पहले कलाम नहीं किया था पहले सजदा किया सदा करके तब आपने लोगों से खिताब किया था तो सही जवाब राजेश जवाब यही है उसे एक जवाब और दिया गया है कि इस वाक को नमाज में कलाम की हरमत के पहले दौर पर महमूल किया जाए यानी ये उस वक्त का वाकया माना जाए जब नमाज में कलाम करना जायज था लेकिन जब दूसरी रिवायतों में सराहत आ गई है तो इस सिम के तावीर की कोई जरूरत रह नहीं जाती उसके बाद भी दो सनत छोड़ दीजिए اور عمرو بن ناقد والی پڑھیے امر بن ناقد وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عينة قال عمرو قال حد قال عمرو حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا ايوه دقيقه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة یہاں دو فرق ہے एक तो अन का फर्क और दूसरे हदसना का फर्क यानी अन और हदसना का फर्क बताया है इसमें और दूसरा दकीका यह है के अम्र शेख ने अम्र शेख ने रावी का नाम वल दोनों जिक्र की है और कहा है सुफियान बिन ओना जबकि जहैर शेख ने खाली इब्ने ओना कहा है ओना के बेटे नाम भी नहीं जिक्र किया है तो ये दो फर्क है यहाँ काला हद दसना अयूब से मुराद है अयुब सख्तियनी ताबे हैं और मोहम्मद बिन सीरीन तो मशहूर ताबी है ही है तो रवायत तो ताबे ताबे मोहम्मद बिन सीरीन ताबीर रूया में खाब की ताबीर में बड़ी बड़े मशहूर थे वो कहते हैं कि रस मैंने से सुना, वो फरमा रहे थे कि हमें ने आशी की दो नमाजों में से एक नमाज पढ़ाई आशी, के फतहा, शीन को कसरा, के साथ है आशी का माना होता है जवाल आफताब के दरमियान से गुरूब आफताब का दरमियानी वक्फा तो सूरज जब ढल गया जवाल हो गया उस वक्त से सूरज डूबने तक दो नमाजें हैं कौन कौन सी जोहर और असर है। तो कहते हैं कि अशी के दो नमाजों में से एक आपने पढ़ा यानी या तो जहर की नमाज रही है या असर की नमाज रही है इम्मत जहर व इम्मल असरा फसलमा फिर का चलो दो रकातों पर सलाम फेर दिया आपने यानी दो रकात पर तश्त करना था बैठना था लेकिन भूल करके आप उठ गए नहीं भूल करके आपने सलाम फेर दी सुमा अता जिजन फिकल मस्जिद जिजन तना जमा जदूर और अजा फिर आए आप एक तने यानी खजूर का तना था लकड़ी थी फिर आए आप एक तना के पास जो मस्जिद के किबला की जिहत में था इलैहा ऊपर आया है जिदून जिदून मदक्कर है और यहाँ इलैहा जमीर आई है मुअन्नस जाहिर मार्जा वही है जिद तो जमीर और मर्जा में तस्कीर तानीश में भी मुताबकत होती है यहां तसनिया ये क्या कहते हैं मुन्न जमीर लाए हैं जिज उनको खाशबा के माना में लेकर यानी जिज बमाना खाशबा तो टेक लगाया आपने उसे तने पर नाराज होकर यानी लग रहा था कि आप नाराज हैं और लोगों में अबू बकर और उमर भी थे इससे मालूम हुआ कि अगर ज्यादा लोग हों और सबका नाम लेना मुमकिन ना हो तो कुछ बड़े लोगों का नाम लेकर के छोड़ दिया जाता है पहाबा अयकलमा वो दोनों डरे कि आपसे कलाम करें यानी अब गोया सहाबीए रसूल एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं कोई कह सकता है कि भाई जब अल्लाह के वसल्लम भूल गए थे तो आप लोगों ने याद क्यों नहीं दिलाया सलाम फिरने के बाद भी आप लोगों ने नहीं कुछ बोला तब तो उसका जवाब दे रहे हैं वफील कौम अबू बकर उमर कहते नहीं है आ, बड़े बड़े बहे जाए गधा कहे कितना पानी यानी अबू बकर और उमर जैसे अजील्ला साहबा उस वक्त मौजूद थे मस्जिद में जब उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई तो हम लोग किस खेत के मूली है तो डरे वो लोग किस बात से कि आपसे कलाम करें वह खारजा सर नास और निकल गए जल्दबाज लोग सारा आन सीन और रा दोनों को फतहा है इमाम कहते हैं कायल जुमहूर मुहदसन और अहलत हैं यही है कि इसको सराआन पढ़ा जाए और सरा आन से मुराद वो लोग हैं जिनको जाने की जल्दी थी यानी नमाज खत्म हो गई सलाम फेर दिया नमाज से बाहर हो गए अब किसी की कोई जरूरत थी किसी को कहीं जाना था किसी से मुलाकात करनी थी कोई और अहम काम था वो चले गए तो निकल गए जल्दबाज लोग और अब जब जल्दबाज लोग निकल गए तो कालू तो लोगों ने कहा यानी अब आपस में लोग कहने लगे कोशरती सलातो नमाज कसर हो गई यानी आपस में कह रहे हैं अभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जुरात हो रही कहने की तो यदैन खड़े हुए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आकोसैरती सलाह अम अमनसीता क्या आप क्या नमाज कसर कर दी गई है या आप भूल गए हैं नजर नबी समी दाए और बाएं देखा कि और भी कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा फ़काल कोई नहीं बोला तो आपने फरमाया माया कुल्लो जुलियादैन क्या कह रहे हैं लोगों ने कहा सच कहा है इन्होंने यानी नमाज में भूल हुई होगी या नमाज में कमी आई होगी दोनों में से कुछ हुआ है तो दूसरी रिवायत में है कुल्लो दाले का लम यकुन ये कुछ नहीं हुआ है यानी न मैं भूला हूं और ना नमाज कसर हुई है तो आगे रिवायत में आएगा कि जब आपने ये बात फरमाई कि कुल्लो कुल्लालिकम य तो आपने तो उन्होंने जुल्दीन रजी अल्लाह उन्होंने ताक़ीद के साथ कहा था कदकाना बाद कद तहकीक के लिए आता है शुबह कोई एजाले के लिए आता है तो कहा लोगों ने कि जुलदिन ने सच कहा लम तो इल्ला रक़ात आपने सिर्फ़ दो ही रकातें पढ़ी हैं वसल्ला रक़तन वसलमा जो दो रकात बाकी रह गई थी उसको पूरा किया और सलाम फेर दिया तो यहाँ भी इजाफा हो गया था नमाज़ में सलाम फेर दिया था आपने दो ही रकात पर सुबह कबरा सु सजदा शुम कबरा फ रफा सुबह कबरा वजदा सुबरा व रफा यानी दो सजदा किया और हर सजदे पर तकबीर कहते रहे काला व उखबिर तो इमरान काला वसलमा और सलाम भी फेरा ये काला में जमीर फाइल लौट रही है मोहम्मद बिन सीरीन की तरफ ये वाकया जो है इमरान बिन हुसैन रजियाल्लाहो से भी मरवी है तो मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि इमरान बिन हुसैन रजियलान्हों के वास्ते से मुझे खबर दी गई है कि आपने सलाम भी उन्होंने कहा था इमरान रजी अल्लाह उन्होंने कि आपने सलाम भी फेरा इसके बाद भी छोटी सनत है वो भी छोड़ दीजिए करने फिर से सलाम फेरेंगे जैसे सलाम के बाद अगर कर रहे हो तब हाँ 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 उसी को बताया है इन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन ने یعنی يعني دو مرتبہ ہو جائے گا سلام. سلام دو سلام دو مرتبہ ہو جائے گا جی چلو وحدثنا قطيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ان داود بن الحسين عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد الساجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم तो ये रिवायत भी उसी के हम माना है वो कई बार इस किस्म का वाक़ हुआ था तो उसका जिक्र किया है तो बाकी इसके बाद भी वही सनद आ रही है वही रिवायत है एक सनद पढ़िए अबू बकर बिन अबू शाहेबा दो दो सनद के बाद है गालिबन, हाँ दो सनद के बाद जी सर وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليه قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن امران بن حسين ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عصره الخرباق فكان في يديه قول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟

उनके हाथ में लंबाई थी यानी आम लोगों के मुकाबले में इनके हाथ लंबे थे इस वजह से इनको जुलियन कहा गया जाता था इसमें अलग का जिक्र है कि किन्ना रसोल्मा फीसला से रखातन तीन रकात पर यहाँ सलाम फेर दिया था फिर अपने घर में दाखिल हो गए फ़काम रजुल वक़ाल ख़िरबाक वक़ानफी है यानी जुलेदैन इसी वजह से कहते थे कि उनके दोनों हाथों में लंबाई थी फ़काल या रसुल्ला फ़दकर लहू सनी आहू व खराजा गजबान यजुर आहू और निकले आप नाराज होकर अपनी चादर घसीट रहे थे हत, तन तहा चूँकि घर में चले गए थे फ़काल सदका हदा खालू नाम फसल रकाता एक रकात बाकी रह गई थी तो उसको पहले पूरी की सुब्समतन सुबह सलम तो बाद रिवायतों में जुस्माल का जिक्र आता है बाद रिवायतों में जुस्मालन का जिक्र आता है तो वो सही नहीं है इमाम नबी रम्ला कहते हैं इमाम जोहरी ने इमाम जोहरी ने ये इश्तरा बयान किया है तो इमाम नबी रह कहते हैं कि इमाम जोहरी ने हदीश सहब में कलाम करने वाले का नाम जुस्माल जिक्र किया है ये सही नहीं है यानी सही जुलियदेन है जुस्माल जिन लोगों ने कहा है उनमें से इमाम जोहरी भी है वो सही नहीं है इमाम जहरी की मुताबात किसी ने नहीं की है और इसमें जो है जुलेदैन वाली हदीस में इमाम जुहरी से इसतराब हुआ है तो इसी वजह से उनके इसतराब की वजह से मुहदसिन ने उसको छोड़ दिया है तो सही जुलेदैन है जुशमालैन नहीं उसके बाद जो है सुजूद पढ़ लीजिए घर में चले गए थे ना तीन रकात पर सलाम फेरा ऊपर कहा सलमा फी सुम्मा दखला मंजिल चले गए थे तब जो है खिरबाक ने दरवाजे के पास से आ, आपको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है तब मस्जिद में आए और लोगों से कहा आसाद कहा कालू नाम यानी मस्जिद में आए और फिर जो बकिया रकात थी पूरी की फिर सजेशा हो किया शेख एक सवाल है जी यहाँ की जो मसाजिद वगैरह है तो उसमें अगर एक रिकात छूटती है या कुछ छूटता है उसमें तो डायरेक्ट नमाज को ही रिपीट करते हैं आए उस मौके पे नमाज में सज नमाज में कुछ गलती होती है या रिकात छूटती है हाँ। तो फिर से उसको दोहराते हैं तो उस मौके पे क्या किया जाए यानी पूरी नमाज दोहराते हैं जी जी आ, ये गलत करते हैं असल में के ऐसा है जी जी के हाँ। तो उस मौके पे अगर उसी में नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या करें अब मतलब ये है कि आगर, अगर पढ़ सकते हैं अगर अब जाहिर है कि अब चूंकि आप नमाज पढ़ रहे हैं साथ में तो उसकी मुताबात कर लीजिए ये तो अफजल और उसके बारे में इख्तलाफ है लोगों का लेकिन मसला ये है कि सजद वो जो है नमाज पूरी नहीं कर नहीं करते हैं अलग से पढ़ते हैं पूरा जी आए? जी अगर जी अगर मालूम चला कि एक रिका छूट गई है या फिर एक सजदा रह गया हाँ तो उसके बाद जब सलाम फेर देते हैं तो लोग बताते हैं तो बोलते हैं ठीक है थी, थी, अब नमाज नहीं हुई है तो फिर से रिपीट करना फिर दोहराते हैं क्या दिक्कत कहीं 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 तो अहनाब की मस्जिद में भी कहीं कहीं वो सजदे सह करते हैं हाँ, ये अलग बात है कि उनके सजदे सह करने का अंदाज हा? अलग होता है तो अगर वो सजदे सह करते हैं और नमाज में आप सजदे सह में भी शरीक रहे तो आपकी नमाज हो गई हाँ, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो मजबूरी है इख्तलाफ ना कीजिए इंतजार ना पैदा हो लेकिन कोई मौका आए अगर आपके बस में हो तो उनको सही हदीस की रोशनी में समझाइए हालांकि मानते नहीं लोग यहाँ भी जोगाबाई मस्जिद में भी कई मरतबा लोगों ने ए, कुछ लोगों ने अलग से नमाज पढ़ी तो उनको मसला बता दिया गया कि मसला सही हदीस की रोशनी में ये है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से ऐसा ऐसा साबित है अब उसके बाद अगर नहीं कोई मानता है तो अलग बात है लेकिन ज्यादातर मान जाते हैं खैर अगर कोई खास हो तो वो मान भी जाते हैं लेकिन आजकल अक्सर जो मसाजिद हैं सब में तो वो वाले लोग ज्यादा हैं चिल्ला वाले लोग उनको समझाना तो नहीं बड़े सख्त होते हैं चिल्ला वाले बड़े सख्त होते हैं अल्लाह तला हिदायत दे या रहने दे बाबा कुछ लोगों से आवाज बेटा आवाज आवाज रही है। ना ना नहीं आ रही कुछ लोगों ने रखा है। आई शेख आवाज अभी अभी आवाज आ रही है आ, अभी कुछ आई है फिर से बोलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सजदे शो का ये तरीका बना रखा है कि दाएं साइड सलाम फेरते हैं एक ही तरफ उसके बाद दो सजदे करते हैं फिर बाएं साइड सलाम फेरते क्या एक किसी रिवायत से अहनाफ करते हैं ना ये हाँ अहनाफी के यहाँ है वही मैंने बताया तो ना ना कि उसकी साबित नहीं है दलील तो होगी कुछ उनके पास नहीं कुछ नहीं कोई हदीसी दलील नहीं है अगर कोई होगी भी तो कोई हो सकता है ज़ईफ मौज़ू हो जी घंटी नहीं लगी है ना एक मिनट बाकी है ने माली चलो oh, yes. छोड़ दो तो तो।